नमस्कार दोस्तों, हम आपको रीजनिंग जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में पहला चैप्टर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग जो है स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग को समझने से पहले हमको जो है सबसे पहले वर्ड और उसके नंबर्स पता होने चाहिए, क्योंकि अभी जो है सिंजियर का जल्द में एग्जाम हुआ था, उसमें चार क्वेश्चन आपको जो है लेटर से मिले थे। तो इसलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो इंग्लिश के लेटर होते हैं उनके कोड क्या क्या है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे पूरे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। तो इसमें जैसे मतलब कि ए ए का जो नंबर होता है वो एक होता है, ए का नंबर एक होता है, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ई का पांच, F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब आप इसमें सोच रहे हो कि इसको याद कैसे करें। आपने तो लिख दिया कि एबीसी इकट्ठा लिखे, तो फिर एक दो तीन चार करके लिख दिए। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जैसे कुछ वर्ड जो है आप याद कर लीजिए। भाई एक से पांच तक तो आपको याद ही होगा कि एक पे ए है, दो पे बी है, तीन पे सी है, चार पे डी है और पांच पे ई है। तो हम तैयार कैसे करेंगे इसको? तैयार करने के लिए एक चीज याद रखेंगे, इजोटी। तो इजोटी जो है ये हमारा पांच पांच वर्ड का है, जैसे पांच, पांच दूना दस, पांच तीन एक पंद्रह और बीस और वाई का पच्चीस। तो पांच वर्ड तो हमको इस तरह तैयार हो गया। देखिए मैंने क्या बताया, शुरू के पांच वर्ड आपको खुद याद करने हैं, ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार और ई का पांच। तो ई का पांच तो इजोटी, ई का पांच, जे का दस, ओ का पंद्रह, टी का बीस और वाई का पच्चीस। जेड हमको पता है छब्बीस होता है, जेड पता है छब्बीस होता है। आगे देखिए क्यों, क्यों क्यों में जो है ये ऐसे बनता है ना, तो क्यों, क्यों का मतलब कि देखिए इसमें ये बना है ना, यानी कि सत्रह होता है क्यों का। अगर अभी हम इसको ऐसे ना करके ऐसे कर दें और उसके बाद ऐसे कर दें, देखिए तो क्यों बना ना, तो क्यों के मतलब क्या होगा, सत्रह, यानी कि क्यों का क्या होता है, सत्रह होता है। उसी तरह अगर हम आई बनाए तो आई देखिए ऐसे बनता है, तो आई कैसे बना, यानी कि आई का नौ। ठीक, यच, यच को देखिए ऐसे, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो देखिए किस तरह बन गया, ये आठ की तरह बन गया, अर्थात यच का क्या होता है, आठ। उसी तरह अगर हम देखिए जी, जी में देखिए अगर भी इसको हम मिटा दे, देखिए क्या बन गया, ये सात, तो अर्थात जी का क्या होता है, सात होता है। समझ में नहीं भाई, इजोटी याद कर लीजिए, पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस। आप सुने होंगे क्या, के इलेवन ये आईपीएल की टीम है, तो के इलेवन यानी के का क्या होता है, इलेवन। तो जब के का इलेवन होता है, के बाद यल आता है, यल का हो गया बारह। फिर देखिए आप जानते होंगे पी, तो पी को अगर हम उल्टा कर दें, देखिए छह बन गया, लेकिन छह तो हो नहीं सकता किसी कीमत पे, तो क्या हो जाएगा, सोलह। इसी तरह यम, यम तो यम का मतलब, यम को अगर हम अभी इसको यम को ऐसे घुमा दें, तो घुमा देते ही ऐसे बन गया तीन, लेकिन तीन तो होगा नहीं यम का, तो क्या हो जाएगा, तेरह हो जाएगा। इसी तरह डब्लू, डब्लू भी देखिए तीन की तरह है, तो चूंकि तीन तो एक बार तीन हो नहीं सकता, तो तेरह हुआ, तेरह भी नहीं हो सकता क्योंकि तेरह यम का है, तो तेरह भी नहीं हो सकता, तो तीन किस में आ सकता है, तेईस में, अर्थात डब्ल्यू का क्या होगा, तेईस होगा। ठीक, ट्वेंटी ट्वेंटी मैच होता है, ट्वेंटी ट्वेंटी मैच होता है टी ट्वेंटी, तो टी का क्या होता है, ट्वेंटी। तो जब टी का ट्वेंटी होता है, तो टी के बाद यू आएगा, यू का क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन। अब U का 21 हो जाएगा, तो U के बाद क्या आएगा, V, V, तो V का क्या हो जाएगा, 22। तो देखिए तैयार हुआ कि नहीं, A का मतलब एक,
बी का मतलब दो, सी का मतलब तीन, डी का मतलब चार, ई का मतलब पांच। ई का मतलब पांच, ई का मतलब पांच, तो इजोटी आप देख लीजिए, इजोटी में ई का पांच हो गया, जे का दस हो गया, ओ का पंद्रह हो गया, टी का बीस हो गया, और वाई का पच्चीस हो गया, इजोटी हो गया। अब उसके अलावा आई, आई का नौ, यज का आठ, फिर चेन्नई के इलेवन, तो के का इलेवन और यल का ट्वेल्व, उसके बाद ओ का पंद्रह ही है, पी का सोलह और क्यू का सत्रह, आर का अठारह होता है याद रखिए, यस का उन्नीस और टी का टी ट्वेंटी यानी बीस। तो जब टी का बीस हो गया तो इक्कीस किसका हो जाएगा, यू का, और बाईस हो जाएगा पी का। डब्ल्यू का बताए तेईस और डब्ल्यू बाद बचा क्या, यक्स, यक्स का चौबीस। तो इसको आप लिख लीजिएगा और लिख के याद कर लीजिएगा, तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा, देख लीजिए सब लिखा है मैंने, और लिख के इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये याद रहेगा तभी आपको रीजनिंग अच्छे से समझ में आएगी, रीजनिंग का बेस आपको समझ में आना चाहिए पहली चीज। तो देखिए इसके बाद ऐसे कुछ वर्ड होते हैं अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड में क्या रहता है देखिए, अपोजिट वर्ड का मतलब ये है कि दोनों का योग जो हो वो सत्ताईस हो। जैसे अगर कोई पूछ ले कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए मतलब एक, और एक में क्या जोड़े कि सत्ताईस हो जाए, तो छब्बीस, तो छब्बीस किसका होता है, छब्बीस किसका होता है जेड, यानी कि अपोजिट वर्ड अगर कहा जाए, कौन सा वर्ड, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड कौन कौन से हैं देखिए, ए का जेड याद कैसे करेंगे, याद करेंगे आज, यानी कि आज का मतलब ए जेड, आज का मतलब ए, और ए का क्या होता है जेड। फिर देखिए बाई, बाई अब यू मत समझिएगा, बी यू वाई बाई, बाई हो गया यानी कि बी का वाई। इसी तरह सिक्स, सी का यक्स यानी सिक्स। उसी तरह ड्यू, ड्यू पीते हैं ना, कौन कौन है जो ड्यू पीता है, तो ड्यू, तो ड्यू का डी डब्ल्यू ड्यू। फिर ईव, तो इसमें देखिए चार वर्ड आपको, ये जो चार वर्ड है आपके, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये चारों वर्ड आप तैयार कीजिए लव्स, तो यल का ओ और वी का ई, तो ये लव से तुमको चार वर्ड तैयार हो जाएगा, कहीं कहीं लव भी काम दे देता है, ठीक। तो ये चीज है। फिर देखिए गर्मी बहुत आ रही, उफ, बड़ी गर्मी है, उफ 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 का मतलब यफ का यू, उफ बड़ी गर्मी है। शेर शाह सूरी ने जो है एक सड़क बनवाई थी जिसको कहते थे क्या, जीटी रोड, कौन सी रोड, जीटी रोड। बच्चे जो है बड़े परेशान रहते हैं, कौन से बच्चे, हाई स्कूल वाले, कौन से बच्चे, हाई स्कूल वाले, यानी कि यस का यस। इंडियन रेलवे की तो बात ही मत पूछिए, इंडियन रेलवे की तो बात ही मत पूछिए, क्यों, क्योंकि आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। और क्या बताएं हम आपको, जहांगीर का किला जो है, ये जो जहांगीर का किला है जे क्यू, ये क्या है, जहांगीर का किला, जहांगीर का किला, इसकी तो बात ही मत पूछिए, कि क्यों, क्यों मत पूछिए, क्योंकि जे का उल्टा क्यों। फिर आगे चलिए केपी, केपी मतलब चाहे आप कह लीजिए कमला पसंद है, और चाहे आप कह लीजिए पतंग कट गई है, तो के कपी यानी कि कटी पतंग या फिर कमला पसंद है, जो आपको अच्छा लगे आप उससे तैयार कर लीजिए, तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। इसी तरह यल ओ बता ही चुका हूं, फिर आगे देखिए यम यन, यानी कि इसको आपको कोई जरूरत नहीं है याद करने की, यम के बाद यन आता ही है, तो अपोजिट हो ही गया। तो देख लीजिए मैंने इसका अपोजिट बता दिया, अपोजिट क्या, कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का यक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, यफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का यस होता है, आई का होता है, ये चीज है कि अपोजिट। तो आपको दो चीज जरूर तैयार करना चाहिए रीजनिंग के बेस के लिए,
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में वो भी कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक, तो ये देखिए इसके बाद जो है क्या रहता है, आप आगे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं,